देवास जिले के अंतिम छोर पर बसे फतेहगढ़ जो नर्मदा के किनारे स्थित है। नर्मदा के बीच टापू पर सदियों पुराना बना किला सैलानियों को लुभा रहा है। पुरातत्व विभाग द्वारा उक्त किले का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। यहां पहुंचने के लिए सतवास मार्ग पर स्थित ग्राम बाई जगवाड़ा से नामनपुर होते हुए फतेहगढ़ पहुंचा जा सकता है। यहां से किले को देखने के लिए नाव ही एक साधन है, जिससे 15 मिनट में वहां पहुंचा जा सकता है। बताया जाता है कि प्राचीन मुगल दुर्ग ग्राम जोगा जिला हरदा में आता है। इस किले का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1406 ईस्वी में कराया था। भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण भोपाल मंडल द्वारा इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। पुरातत्व विभाग द्वारा निर्माण कार्य भी जारी है। इस किले में एक मकबरा, एक छोटा मंदिर व पुराने समय की मूर्तियां भी हैं। पुरातत्व विभाग के कंजर्वेशन असिस्टेंट विजय जोशी ने बताया कि उक्त किले का जीर्णोद्धार कार्य पुरातत्व विभाग द्वारा जारी है। यह आने वाले समय में प्रकृति की गोद में बसा किला सैलानियों को और भी लुभाएगा। हमारे संवाददाता कमल गर्ग राही ने किले पर पहुंचकर उसे अपने कैमरे में कैद किया। सरपंच प्रतिनिधि मन्नू अग्रवाल, डॉक्टर अशोक वर्मा, त्रिलोक गौली, रामावतार गौली, छगन दरबार, सवाई सिंह ठाकुर, छोटू जी जाट ने चर्चा में बताया कि उक्त किला नर्मदा की गोद में बसा होकर प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फतेहगढ़ से हरदा काफी नजदीक है। व्यापार तथा रिश्तेदारियों को लेकर नाव के जरिए मोटरसाइकिल लेकर दोनों ओर के करीब 20 से 25 गांव के लोगों का प्रतिदिन आना जाना बना रहता है। यदि यहां पुल निर्माण हो जाता है तो किले के साथ ही लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होगी। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।